आप सब बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम तनु है और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सारे के सारे बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली क्लासिक एंड एलिगेंट हॉल, क्योंकि मुझे क्लासिक और एलिगेंट फैशन बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको भी मेरे आज के फैशन पिक्स पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट वुड जेन्युइनली मीन अ लॉट टू मी। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिफरेंट जीन्स के स्टाइल्स जो मैंने सारे मिंत्रा से पिकअप किए हैं। सिंस हम सबको जीन्स पहनना बहुत पसंद है और जीन्स के कितने सारे स्टाइल्स आ गए हैं, लाइक हाई वेस्टेड जीन्स है, वाइड फिट जीन्स है, टेपर्ड फिट जीन्स है, तो इतने सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये जीन्स का हॉल शेयर कर दूं और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूं कि पहने हुए ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ जीन्स हम पे कैसी लगती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने मिंत्रा से कौन कौन सी अमेजिंग डिफरेंट फिट वाली जीन्स पिकअप की हैं और वो मुझ पे पहने हुए कैसी लगती हैं विद डिफरेंट स्टाइल्स, देन कीप ऑन वॉचिंग। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स जो मैंने पिकअप की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे बिकॉज फ्लैरी जो जीन्स होती हैं वो आजकल सो मच इन स्टाइल एंड वोक हैं, बहुत ही शीक भी लगती हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही एक रेट्रो स्टाइल है जो वापस आ गया है, जो आपको कंफर्टेबल भी रखता है बट एट द वेरी सेम टाइम बहुत ही स्मार्ट लगती है। और इसका फिट बहुत ही अच्छा है बिकॉज ये काफी स्नग फिट है अराउंड द वेस्ट। ये हाई वेस्टेड नहीं है, ये मिड राइज है, सो इट कम्स राइट अराउंड द नेवल और उसके बाद में ये फ्लेयर आउट हो जाती है, गिविंग मोर देन इनफ रूम फॉर माई हैवी हिप्स ताकि वो अच्छे से इसमें फिट भी हो जाए और फ्लैटरिंग भी लगे। देन इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लिट ऑन द नीज एज वेल एंड आई थिंक नीज पे जो स्लिट होता है वो थोड़ा सा एक कैरेक्टर एड कर देती है टू अ वेरी सिंपल बोरिंग जीन्स। सो आई रियली लव दीज काइंड ऑफ एक्सेंट्स क्योंकि बोरिंग स्किनी जीन्स तो आई थिंक इज सो लास्ट सीजन। दीज काइंड ऑफ वेरी कंफर्टेबल जीन्स एक तो स्मार्ट भी लगती हैं, अलग भी लगती हैं एंड दे आर सो रूमी एंड कंफर्टेबल। तो अगर आप मेरी तरह आपकी भी पेयर शेप बॉडी है तो यू गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग इट फॉर द होल डे लॉन्ग। ये जो नेक्स्ट पेयर ऑफ जीन्स मैंने पिकअप की है ये इंटायरली एंड इन ऑल ऑनेस्टी मैंने पिकअप की है कीपिंग इन माइंड द करीना कपूर लुक जो आजकल दिख जाती हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड शी इज वेयरिंग दीज वेरी वाइड फ्लैरी जीन्स जो इतनी स्मार्ट भी लगती हैं, शीक भी लगती हैं एंड आई रियली वॉन्टेड टू एड इट इन माई वार्डरोब। तो मैंने ये सिमिलर बहुत ही वाइड फिट वाली जीन्स पिकअप की है। ना पहले होता था कि वाइड फिट वाली जीन्स अच्छी नहीं लगती थी और दे डोंट हैव अ नाइस फिट, बट नाउ द स्टाइल इज सो मच इन वो हर जगह वाइडर फिट जीन्स, बहुत ही कंफर्टेबल फिट जीन्स बहुत ही स्मार्ट लगती हैं एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द फिट ऑफ दीज जीन्स एज वेल क्योंकि ये वेस्ट से बहुत ही कंफर्टेबल फिट है, ये बहुत ज़्यादा लूज और बैगी नहीं है तो बहुत ही स्मार्ट लगती है। चाहे आप इसके साथ में टी शर्ट टक इन कर लीजिए या फिर क्रॉप टॉप टक इन कर लीजिए एंड आफ्टर दैट इट्स अ वेरी नाइस वाइड फिट ऑफ जीन्स। तो काफ़ी फ्लैरी भी है, काफ़ी वाइड भी है और इसका फिट ऑफ स्टाइल बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी लंबी जीन्स है। तो जब मैं इसके साथ में हील्स भी पेयर अप कर रही हूँ एंड इवन अगर मैंने इसके साथ में ब्लैक टॉप पेयर अप कर लिया तो मैं इसे इवनिंग में भी पहन सकती हूँ, दे लुक वेरी स्मार्ट। और अगर आपको करीना कपूर का स्टाइल रिक्रिएट करना है विद अ सिंपल वाइट टी शर्ट एंड अ वाइड लेग जीन्स देन डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस लुक्स वेरी स्मार्ट, बहुत ही शीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन एयरपोर्ट लुक या फिर आप कैजुअल डे क्रिएट करना चाहते हैं दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी कंफर्टेबल बहुत ही शीक स्टाइल की जीन्स है। नेक्स्ट मैंने जीन्स पिकअप की है विच इज़ अ परफेक्ट ड्यूप फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव जीन्स जो आपको ज़ारा या H&M पे मिलेगी एंड दैट्स अ पेपर बैग जीन्स। मैं ज़ारा गई थी रिसेंटली और मुझे वो पेपर बैग जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी बट आई थिंक ऑन ज़ारा इट वॉज अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट 4000 एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं जीन्स पे इतने ज़्यादा पैसे तो स्पेंड नहीं करने वाली हूँ इवन दो मुझे उसका स्टाइल बहुत ही पसंद आया। सो व्हेन आई चेक इट ऑन मिंत्रा मुझे ये सिमिलर स्टाइल की जीन्स मिल गई। नाउ इस जीन्स की खास बात है एक तो ये पेपर बैग ट्रिम है इसके ऊपर तो हाई वेस्टेड है, देन इसके ऊपर ये टाई डिटेल भी आता है। ये टाई डिटेल पेपर बैग जीन्स या शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हमारी जो वेस्ट लाइन है वो अच्छे से एक्सेंचुएट हो जाए ताकि जो कर्व्स हैं वो और भी अच्छे से डिफाइन हो जाए। अगेन कंफर्टेबल फिट है, आप इसे थ्रू आउट द डे इतनी चिपचिप वाली गर्मी में भी पहन सकते हैं फॉर कॉलेज और फॉर योर कैजुअल फ्राइडेज एट ऑफिस। इट्स वन ऑफ दोज वेरी स्मार्ट जीन्स, आई थिंक ये मेरी फेवरेट जीन्स है। नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही वाइड लेग जीन्स पिकअप की है जिसका जो स्टाइल है टू कॉन्ट्ररी जो मैं अदर जीन्स या बॉटम वेयर पिकअप करती हूँ वो मोस्टली हाई वेस्टेड होती हैं या मिड राइज होती हैं बट ये लो राइज है और ये जीन्स मैंने पिकअप की है फ्रॉम द ब्रांड वेरामोडा एंड आई रियली लाइक दिस स्टाइल क्योंकि मेरे पास एक तो कोई भी लो राइज जीन्स नहीं है। तो अगर आप एपल शेप बॉडी के हैं या फिर पेयर शेप बॉडी के हैं इवन ऑन दोज पेयर ऑफ बॉडीज ये लो राइज जीन्स बहुत ही अच्छी भी लगती हैं और कंफर्टेबल भी लगती हैं। प्लस अगर आप ऐसी पेयर ऑफ जीन्स ढूंढ रहे हैं जिसे आप कुर्ती के साथ में पेयर अप करना चाहते हैं देन दीज जीन्स को रियली वेयर क्योंकि ये काफ़ी वाइड भी है और काफ़ी लो राइज भी है तो आप इसे कुर्ती के साथ में चाहे वो शॉर्ट कुर्ती हो या लॉन्ग कुर्ती हो दे गो रियली वेयर। तो इवन तो ये लो राइज है बट ये काफ़ी वेल फिटेड है तो बहुत ही स्मार्ट लगती है। आई इन श्योर कि मेरे जीन्स जो हैं चाहे वो
वाइड लेग हो या बहुत ही वेल फिटेड टाइट स्किनी जीन्स ही क्यों ना हो, अराउंड द वेस्ट उनका फिट परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दैट विल डिफाइन कि मेरे ओवरऑल जीन्स का फिट कैसा आ रहा है. अगेन, कंफर्टेबल फिट है इसका तो आप इतनी स्वेटरिंग वाली गर्मी में भी पहन सकते हैं. एंड ये दूसरी जीन्स से इतनी अलग है कि बहुत ही स्मार्ट लगती है, चाहे आप कुर्ती के साथ पहन लीजिए या क्रॉप टॉप के साथ में पहन लीजिए, यू आर सॉर्टेड. तो इन केस आप भी अपने लिए जीन्स पिकअप करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी जीन्स के लिंक्स भी मेंशन होंगे और मैं साइजेस भी मेंशन कर दूंगी जो भी मैंने पिकअप किए इन दीज जीन्स, ताकि आप आइडिया लगा सके कि ये पहने हुए कैसी लगेगी. तो ये थे मेरे वेरी डिफरेंट जीन्स कलेक्शन जो मैंने मिंत्रा से पिकअप किया है. आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया देन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.